हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों आज हम पगला गए, पनिशमेंट आप लोगों को दिखा रहे हैं। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं रगड़ा पेटी सीटिंग चैलेंज। फ्रेंड्स मैं पनिशमेंट क्यों दिखा रहा हूँ मालूम है? आज यही आलू का छिलका मैं इसको खिलाऊंगा ना। फ्रेंड्स मैंने जानबूझ के उठाया है, पगलाया नहीं हूँ मैं तब पागल होऊंगा अगर मैं हार गया आज का चैलेंज, और अगर मैं जीत गया तो जीतने की खुशी में पागल होकर पूरा छिलका इसको खिला दूंगा। मुझे लगा बोले जीतने की खुशी में सारा छिलका मैं ही खा जाऊंगा। ना 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 फ्रेंड्स, जीतने की खुशी में मैं क्यों खाऊंगा, मैं इसको पूरा छिलका खिला दूंगा। वो भी मेरे से। अब ये देखो रगड़ा पेटीज, वाह रगड़ा पेटीज बोलो, आलू टिक्की चाट बोलो, फ्रेंड्स प्राची ने घर पे ही बनाया है, एकदम टेस्टी। छोला मैंने टेस्ट कर लिया है, आप देख सकते मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ज्यादा वेट मेरे से नहीं किया जा रहा है। फ्रेंड्स अब मैं थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन बता देता हूँ। टोटल 6 प्लेट है, 3 प्लेट प्राची के पास है, 3 प्लेट मेरे पास है। और आप सबको पता है ये आलू का छिलका का पनिशमेंट कैसे होता है, तुम्हें तो याद है ना? मुझे याद है, तुम खुद याद कर लो। फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। अभी मैं दूंगी, आपको नहीं याद रहेगा फिर भी याद हो जाएगा। वो तो वक्त बताएगा कौन किसको देने वाला है। तुम रेडी रहो बच्ची। मैं रेडी। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, आलू का छिलका जो हम लोग छिलना स्टार्ट करेंगे जब तक टूट नहीं जाता तब छिलते रहेंगे। हे भगवान मुझे जीता देना, बस मैं 2-3 बार का बदला एक ही बार में ले लूंगा। इतना छिलोगे कि उसमें छिलका रह नहीं जाएगा। अरे छिलका छोड़ूंगा ही नहीं। फ्रेंड्स आपको क्या लग रहा है, संतोष तिवारी जीतने वाला है 3 में से ज्यादा राउंड या प्राची तिवारी जीतने वाली है? कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बता देना। सब लोग मेरा ही सपोर्ट करेंगे फ्रेंड्स, ना कि इनका। फ्रेंड्स अगर आप अभी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस आपके लिए और ला सके, मोटिवेशन मिलेगा फ्रेंड्स हमें। यस तो खाना स्टार्ट करें। तोड़ ओड़ लो, नहीं तो पहले से बोलोगे तुम तोड़ के बैठती हो, लेके बैठती हो वगैरह वगैरह वगैरह। Wait a minute. अब क्या? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कुछ रेशा है। तुम एक काम करो ना, मुंह में भी डाल लो। मैं अभी आपको क्या बोली, यही बोली ना कि आप भी कर लो ना तो फिर मुझे बोलोगे। मैं रुकी हूँ, मुंह में नहीं डाली हूँ, आप भी कर सकते हो ये चीज। अरे यार मैं उठाऊंगा कैसे, पूरा टूट जा रहा है मेरा। अब टूट जाओ, आपकी प्रॉब्लम, मुझे क्या पहला राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, मैं जीतूंगा या प्राची हारेगी? सबको पता है, हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बता देना। चम्मच भी उठाई नहीं पा रहा खाने के, तो बात ही छोड़ दो। हाँ छोड़ो दो। अच्छा मेरे कहने से खाए थे ना तुम, अगर तो आप खाते। वो तो मैं भी बोल रहा, अभी तो तुम खाओगी, तुम नहीं खाओगी। ईमानदारी नहीं, ईमानदारी गया। अरे ईमानदारी नहीं दिखाया, मतलब ये चीटिंग हो रहा। अब चीटिंग नहीं हो रहा था, ये सबको पता है, इनका खत्म नहीं हुआ था प्लेट का, थोड़ा सा रह गया था छोला। आप ये भी एक्सेप्ट कर लो। अरे क्या एक्सेप्ट कर रहा फ्रेंड्स, खत्म हो गया था, जो थोड़ा बहुत ऐसा जूस बचा वो नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत बचा है, ये उन्होंने कबूल कर लिया। तो वो तो तुम्हारा भी था फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। बताना संतोष तिवारी जीता था, प्राची तिवारी हारी थी फर्स्ट राउंड। पानी पी लीजिए अभी, तुम या तुम छिलका खाओ। अच्छा ठीक है, दोनों जन खाएंगे, मंजूर है फर्स्ट राउंड में फ्रेंड्स, दोनों जन पनिशमेंट लेंगे, क्योंकि ये बोल रहे कि मेरा छूटा, मैं बोली इनका छूटा, तो दोनों जन लेंगे। हाँ इसलिए किसी को भी बुरा नहीं लगता ना। तुम हारी हो, नहीं तुम हारी हो। अगर सुनो सुनो मेरी बात सुनिए, अगर आप हमें खिला देंगे तो मेरे मन में यही रहेगा कि मैं जीती हूँ फिर भी मैं पनिशमेंट ली, और ये चीज आपके दिमाग में भी चल रहा है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे मन में कोसे, मैं इनके बारे में सोच रही हूँ लेकिन ये मेरे बारे में कितना बुरा सोच रहे हैं। मुझे आप ही देख लीजिए मैं कितनी भोली हूँ ना। अरे बाप रे फ्रेंड्स, मुझे सोचना ही नहीं इसके बारे में, बहुत जालिम औरत है ये। मैं सीधी हूँ तो मेरे साथ कुछ भी करोगे फ्रेंड्स? इतनी सीधी सादी भी नहीं है जितना दिखा रही है अपने आपको वीडियो में। जरा देख लीजिए, हमेशा आप ही नहीं, दोनों जन लेते हैं, बात खत्म। अच्छा आलू तो दो मुझे पहले,
दोनों जन लेते हैं, नहीं तो फिर एक काम करो, कोई नहीं लेगा, दूसरा राउंड चालू कर दो। नहीं 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 ना, तो फ्रेंड्स एक काम करो, थोड़ा सा तोड़ के मुझे दे दो। देखो देखो एक छिलका ऐसा, एक स्लाइस अभी, देखो ऐसा नहीं कि पूरा छिल, तू ऐसा नहीं है, ये वाला पनिशमेंट ऐसा करती हूँ, एक बार ऐसे छिल देती हूँ, दो जन बराबर बराबर बांट लेंगे, चलेगा ना, इनको बुरा लगेगा ना मुझे, लेकिन नहीं फ्रेंड्स मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। ये कौन होती है बोलने वाली कि इनको बुरा नहीं लगेगा, ये मेरे मन की बात कैसे जान रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे तुम हार गई थी और उसके बावजूद देखो इतना बड़ा छिलका निकाल रहा हूँ, मैं तोड़ रहा हूँ, मैं तोड़ूंगा ईमानदारी से, मुझे तुम्हारे पर भरोसा ही नहीं है। अरे तुम मेरे पर भरोसा नहीं करोगे तो किसके ऊपर करोगे? अपने आप पे। ऐसे नहीं, ऐसे बराबर कर दो। मैं बराबर तोड़ रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स ये है, ये रहा आधा, ये गया मेरे मुंह में, आ गया इसके मुंह में। प्रिंस पहली बार हुआ है। चलिए सेकंड राउंड स्टार्ट कर दिए। तुम आओ। इस बार थोड़ा सा भी रहा ना तो तुम मुझे खिला देना, मैं आपको पनिशमेंट, ठीक है? मिर्ची गया उधर। तुम आओ अब। फ्रेंड्स अब ये ना मेरा ईगो हर्ट हो गया है। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। सब कुछ तैयारी कर लेते हो तब तो नहीं, अगर थोड़ा सा मेरा टूटता है तो ना मुंह में डालो। अरे मेरा तो सब गिर रहा है। सो फ्रेंड्स ऑन द काउंट ऑफ थ्री हम लोग खाना स्टार्ट कर रहे हैं। 3-2-1 गो। अबे उठी। आ देख लो चाट ली हूँ जीप से। मेरा ना फ्रेंड उठा नहीं, आलू टिक्की नहीं तो मैं आराम से जीत जाता। पहले राउंड में आधा खाई थी, इस राउंड में इनको पूरा खिलाऊंगी छिलका। और फ्रेंड्स बीवी का खौफ देखो पूरा कितना है। कहां खिलाए थे, बोला है कि तुम्हारे पर भरोसा नहीं है मुझे, खाए अपना थोड़ा ही। फ्रेंड्स बीवी का खौफ देखो कितना है। ये जूस ऊपर नीचे ना गिर जाए टेबल पे, इसके लिए दूसरा प्लेट मेरे को सामने खींचना पड़ा। मतलब डरते हो मुझसे, कबूल कर लिए। फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ जितनी भोली भाली दिखती है ना उतनी ही ज्यादा जालिम है ये। आप लोग बहुत बड़े गलत फहमी में हो। सबको दिखता है चीटिंग कौन करता है। क्या हुआ? फ्रेंड्स थर्ड राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है मैं जीतूंगा या प्राची तिवारी हारेगी? बोल ले। हाँ कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताना। अकेले खाएंगे थर्ड राउंड, मैं नहीं खाऊंगी पनिशमेंट तो बिना लिए। तुम भूली नहीं हो क्या अभी? मैं भूलूंगी यार, कैसे छिलका खिलाए थे याद है हमें? बोले बराबर बराबर तोड़ूंगा बीच से। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, फर्स्ट राउंड में जीता था फिर भी दो रन खाए, सेकंड राउंड में हारा फिर भी दो रन खाए। और ये क्या बोले थे, कंडीशन यही रहेगा जितना छीलूंगी उतना इनको खाना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये भी बोले थे, फर्स्ट राउंड में ये चीटिंग की थी। फर्स्ट राउंड में कोई चीटिंग नहीं की। ठीक है तुम छीलो तो देखो कहाँ से स्टार्ट करूँ, आप जहाँ से बोलो मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। खुश रहो बस, मैं खुश होना चाहती हूँ। पहला राउंड में मेरे को छिलके खिला दी, मैं वो खुश देख रही सच में कितना खिसी आई मैं। फ्रेंड्स कसम से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्या तेल लगाने। अरे टूट के कहाँ गिरा? नीचे उठा लो, हाथ मार दिए ना, नहीं तो जस्ट छिली होती पकड़ चल। बेचारे लल्लू लाल। आई एम सॉरी फ्रेंड्स बट मैं पहले राउंड का बदला लेना चाहता था, पहले राउंड में मैं जीत के भी इसने मुझे हरा दिया। बाजीगर। जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बोलो बोलो डायलॉग करिए वाले को। मैं बोला तो डायलॉग भी नहीं मार पा रहे। नहीं नहीं तुम्हारे ऊपर बोल रही हूं, तुम बोलो ये चीज छिलका खा के। अभी मैं समझा तुम कैसे फटाफट खाई। आप देखो मेरी कॉपी कर रहे हैं मैं। फिर भी नहीं जीत पाओगे। फ्रेंड्स बनाई इतना टेस्टी है ना, खाली अगर फटाफट उड़ जाता ना चम्मच से तो मजा आ जाता। चलो अब ये भी प्रॉब्लम है बेचारे के पास। आखिरी राउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, क्या लग रहा है प्राची तिवारी मुझे हरा पाएगी?
मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। चम्मच मिलेंगे पहले से बैठ गई फ्रेंड्स, तुम भी उठा लो, नहीं तो बोलोगे कि तुम उठाई थी पहले से। चैनल मैं ईमानदारी से करती हूँ फ्रेंड्स, पता नहीं इनके दिमाग में क्यों रहता है कि मैं चीटिंग करती हूँ। इतनी सीधी साधी मैं नीचे रख लेता हूँ, गलत फहमी क्यों रहती है, मुझे कोई रोक ना पाए जीतने से। सो फ्रेंड्स ऑन द कॉर्नर से हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 गो। बोलो तो ये भी खा लूं। ये चम्मच ही करते रह गए मैं हाथ लगा के। इस बार मैं इन्हीं को बोलूंगी अपने हाथ से छिलका छिलके खा लीजिए, क्योंकि मेरा हाथ भी झूठा है और प्लेट में हाथ धो नहीं सकती। हाँ ये गलत बात होती है, हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमें बताया कि प्लेट में हाथ नहीं धोना चाहिए इसमें खाने, इसलिए मैं झूठा हाथ इनको। ये हमें आइडिया नहीं था पहले सच में, बट हम हमेशा बोलते हैं हम अपने व्यूअर्स का मान रखते हैं। हाँ, तो उनकी बात लो, लेकिन आप लोगों ने मुझे बचा लिया। I swear। अब मेरा हाथ झूठा है तो मैं इनको कैसे अपने हाथ से झूठे से हाथ दूं? तो एक काम करो, मैं उठ के जाऊं, हाथ धो के आऊं, इसे छाप ही ले लीजिए। बहुत बढ़िया है। इसके लिए मैं बोलता हूँ हाथ झूठा नहीं करना चाहिए खाते समय। अब मैं घाई घाई में खा ली, मैं बोली चम्मच से उठ ही नहीं रहा था, हाथ ही लगा लूं। मैं अपने व्यूअर्स का बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोगों ने मुझे बचा लिया है। सच में। अरे इतना देखो, एक बार में इतना ही निकला। पहले मैं सॉरी भी बोल दूँ, सॉरी मैंने हाथ धोया था प्लेट में। इतना ही निकला। देखो इतना ईमानदारी का फायदा मत उठाइए जी। हाँ कि खुद से बोल रही हूँ तो एकदम लोही मत, उससे अच्छा वो अगर अगर भी मत खाइए। नहीं, अगर प्राची हारी रहती तो कैसे निकलता मालूम है, दिखाता हूँ मैं। जरा ये देखो रुतबा, इसको कहते दिमाग। तब ऐसे ऐसे निकला रहता। तो मुझे बुजालिम बोलते हैं, ये खुद क्या है ये देखो फ्रेंड्स, सीधी साधी इनको मिल गई ना। रुको रुको, दिखाने दो मेरा टैलेंट, दिखाने दो। तब ऐसे निकलता थे क्या आज यार? नहीं नहीं, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं किया हूँ, ये देखो। अरे मोरी मम्मी, अगर प्राची हारी रहती तो ऐसा निकलता मैं। यार बचा क्या आलू में, पूरा ही छिल गया। मैं पूरा शोर था प्राची को हराऊंगा और ये खिलाऊंगा। सपना था इनका बेचारे का। कोई बात नहीं, बहुत सारे वीडियो हम लोग को बनाना है, किसी में सपना पूरा शायद आपको जाए। लेकिन प्रेस बड़ा पाव में, मुझे पता था बड़ा पाव में। अरे फ्रेंड्स मैं अभी प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं संतोष तिवारी प्रतिज्ञा लेता हूँ, वापस से हम वड़ा पाव में चैलेंज करेंगे और ये आलू का छिलका रखूंगा पनिशमेंट में, और कोशिश करूंगा प्राची को ऐसे पूरा नागिन नागिन वाला आलू का छिलका खिलाओ। सोचो ये छोटा आलू है तब इतना बड़ा निकला, जब बड़ा है उसमें तो मुझे लगता है बड़ा रहेगा तब क्या हाल होगा मेरा। बस लेकिन मैं हारूंगी नहीं, तुम पहले से प्रैक्टिस। मैं वापस अपने व्यूअर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को बचा लिया। तो फ्रेंड्स आई एम 100% श्योर ये वीडियो देखकर जरूर मजा आएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि हस्बैंड वर्सेस वाइफ के ऐसे फनी एंटरटेनिंग वीडियोस के मजे आप ले सको। मिलते अगले वीडियो में ऐसी फनी एंटरटेनिंग धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।